छह महान वैज्ञानिक जो गणित में कमजोर थे, एक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया। उन्होंने उड़ने वाली मशीनों का भी प्रयोग किया। उन्होंने देखा कि उनमें क्षैतिज स्थिरीकरण का अभाव था। बेल ने एलरॉन के साथ समस्या का समाधान किया। यह एक हिंग वाला फ्लैप है जो विमान के झूले से जुड़ा होता है। एलरॉन का उपयोग आज भी सभी विमानों में किया जाता है। बेल को गणितीय तरीकों में रुचि थी, लेकिन वह गणित से ऊब चुके थे। उन्होंने अंतिम उत्तरों पर काम करने की परवाह नहीं की। दो थॉमस एडिसन 11 साल की उम्र में एडिसन को एक पत्र के साथ स्कूल से घर भेजा गया था। उसके शिक्षकों ने कहा कि वह स्कूल के लिए बहुत मूर्ख था, इसलिए उसकी माँ ने उसे घर पर ही पढ़ाया। एडिसन ने मोशन पिक्चर कैमरे में फोनोग्राफ का आविष्कार किया। उन्होंने प्रकाश बल्ब में सुधार किया ताकि वह अधिक समय तक जल सके, लेकिन उन्हें उन्नत गणित के बारे में लगभग कुछ भी नहीं पता था। एक छात्र के रूप में उन्होंने न्यूटन के प्राकृतिक दर्शन के गणितीय सिद्धांतों का अध्ययन किया। एडिसन ने एक बार कहा था कि इस काम ने एडिसन को गणित से नापसंद कर दिया। मैं हमेशा एक गणितज्ञ को काम पर रख सकता हूं, लेकिन वे मुझे काम पर रख सकते हैं। अपनी इलेक्ट्रिक कंपनी के लिए उन्होंने चार्ल्स टीनमैट्स को काम पर रखा। एडिसन ने फ्रांसिस अपटन को भी भर्ती किया। अपटन ने एडिसन के प्रयोगशाला प्रयोगों के लिए गणनाएं की। तीन माइकल फैराडे। फैराडे ने विद्युत जनरेटर में पहली इलेक्ट्रिक मोटर का निर्माण किया। उन्होंने प्रशीतन प्रौद्योगिकी की नींव रखी। फैराडे ने विद्युत चुंबकीय विकिरण की एक परिकल्पना विकसित की, लेकिन वह इसे गणितीय रूप से सिद्ध नहीं कर सके। फैराडे एक गरीब लोहार के बेटे के रूप में बड़े हुए। बचपन में उन्हें बहुत कम औपचारिक शिक्षा प्राप्त हुई। उनके काम को मान्यता नहीं मिली। केवल 18 वर्ष बाद फैराडे सही साबित हुए। भौतिक विज्ञानी जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने समीकरण तैयार किए। इससे सिद्ध हुआ कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरण का ही एक रूप है। चार एडवर्ड ओसबोर्न विल्सन। विल्सन को आधुनिक डार्विन कहा गया। उन्होंने गरीब दक्षिणी स्कूलों में पढ़ाई की। उन्होंने विल्सन को गणित के लिए अच्छी तरह से तैयार नहीं किया। उन्होंने विश्वविद्यालय में नए विद्यार्थी के रूप में ही बीजगणित के बारे में सीखा। उन्होंने 32 साल की उम्र में कैलकुलस का अध्ययन किया। विल्सन उस समय हार्वर्ड में एक स्थायी प्रोफेसर थे। वह स्नातक छात्रों के साथ कक्षाओं में बैठे। कुछ ने उस जीव विज्ञान पाठ्यक्रम में भाग लिया जिसे वह पढ़ा रहे थे। उन्होंने कहा, विल्सन अपनी किताब में कभी भी एसी छात्र से अधिक नहीं थे। गणित में कम से कम अर्ध साक्षर बनने के लिए आप जितना लंबा इंतजार करेंगे, गणित की भाषा में महारत हासिल करना उतना ही कठिन होगा, लेकिन ये किया जा सकता है और किसी भी उम्र में। 5. जैक होना ने पहले ज्ञात डायनासोर एक्स की खोज की। स्कूल के बाद से उन्हें गणित और पढ़ने में संघर्ष करना पड़ा। होना ने 7 वर्षों तक मोंटाना विश्वविद्यालय में पढ़ाई की, लेकिन उन्होंने अपनी स्नातक की डिग्री कभी पूरी नहीं की। होना ने अंततः विभिन्न संग्रहालयों के लिए लिखना शुरू किया। उन्होंने टेक्नीशियन से लेकर डायरेक्टर तक की नौकरी मांगी। 1979 में होना को डिसलेक्सिया का पता चला। ऑडियो बुक्स ने उन्हें स्वयं सीखने में मदद की। 6. चार्ल्स डार्विन। डार्विन ने स्वयं कहा था कि उन्होंने गणित बहुत धीरे धीरे सीखा। कॉलेज में उन्हें ट्यूटर नियुक्त करने के लिए मजबूर किया गया, लेकिन डार्विन को बीजगणित की बात समझ में नहीं आई। कुछ ही हफ्तों के बाद उन्होंने ट्यूटर को नौकरी से निकाल दिया। डार्विन ने बीजगणित को एक प्रतिकूल विषय के रूप में लिखा। हालांकि बाद में जीवन में उन्हें गणित न सीख पाने का अफसोस हुआ।